दोस्तों बहुत दिनों से बच्चे परेशान थे कि DUET का एग्ज़ाम कब होगा। तो दोस्तों जैसे सारे लोग एनालिसिस कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे कि देखिए CUET बड़ा एग्ज़ाम है, जैसे CUET का एग्ज़ाम ख़त्म होगा तब जाके DUET का एग्ज़ाम होगा। वैसा ही हुआ, जैसे सब लोगों ने गेस किया था, सब लोगों ने उम्मीद किया था, वैसे ही एग्ज़ाम हुआ। और सब यही कह रहे थे कि इतना जल्दी तो एग्ज़ाम नहीं होने वाला, अक्टूबर में ही एग्ज़ाम होगा। और विकास गुप्ता जी ने अभी कल ही मीडिया से बात किया था और उन्होंने बताया था कि सेकेंड वीक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किसका, DUET का एग्ज़ाम। तो देखिए आज के दिन 21 सितंबर है और शेड्यूल आ गया है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का, जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएट में आप लोग एडमिशन ले पाएंगे और PhD प्रोग्राम्स में भी ले पाएंगे। अच्छा खासा स्टूडेंट, 3-4 लाख से भी ऊपर स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। तो ये पूरा कंप्लीट शेड्यूल इस वीडियो में देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। खुशी की तो खबर है आप लोग लाइक करेंगे, मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए आपको शेड्यूल फटाफट डेट बताता हूं, लेकिन ध्यान दीजिए, एक चीज ध्यान दीजिए, आपको यह भी गेस करके बताऊंगा कि एडमिट कार्ड कब आएगा और आपका रिजल्ट कब आएगा और आपका आंसर की कब आएगा। A to Z डिटेल्स होगी इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको आंसर की कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका फाइनल रिजल्ट कब आएगा, पूरा मैं कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा इस वीडियो में। रिसर्च करके आपको लाया हूं ये वीडियो, तो रिसर्च करके आने का मतलब यही होता है कि आपको ऑथेंटिक डायरेक्शन मिलेगा, अच्छा गाइडेंस मिलेगा। तो देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में 17, 18, 19, 20, 21 अक्टूबर को एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है। तो आप पूछेंगे कि अगर मेरा 17 को एग्जाम होगा तो एडमिट कार्ड कब आएगा, तो आपका एडमिट कार्ड जैसे CUET PG का आया था उसी तरह आएगा। जैसे कि 17 को एग्जाम है तो एक दिन पहले आइए, 16-15 आपको 14 तारीख को एडमिट कार्ड मिल जाएगा। कब मिलेगा, 14 अक्टूबर को एडमिट कार्ड मिल जाएगा, 2 दिन पहले एग्जैक्ट, मोटा मोटी 2 से 3 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड पीजी का आया था, CUET PG का आया था उसी तरह, क्योंकि NTA ही एडमिशन ले रही है ना, NTA ही टेस्ट करवा रही है। तो जैसे वो करवाई है CUET PG का, उसी तरह डिट्टो DUET का होने वाला है, ठीक है। तो 14 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि इंटीमेशन जो एडमिट कार्ड के हैं और पहले आ जाए, इंटीमेशन सिटी ऑफ एग्जाम का कि कहां पे आपका एग्जाम पड़ेगा, किस शहर में पड़ेगा, नोएडा में पड़ेगा या सोनीपत में पड़ेगा, आपका कुंडली में पड़ेगा या आपका हथरस में पड़ेगा, तो ये पूरा डिटेल इंटीमेशन का थोड़ा पहले दे देंगे। लेकिन एडमिट कार्ड आपको 14 के आसपास आएगा, 2-3 दिन पहले ही आता है एडमिट कार्ड, जैसे कि CUET PG का आया। तो अब आपको आंसर की कब आएगा, तो लास्ट अगर 21 अक्टूबर को आपको एग्जाम है तो 4 दिन जोड़ लीजिए, जैसे 12 को CUET PG खत्म हुआ था तो 16 को आंसर की आ गया, तो 4 दिन बाद। तो अगर 21 अक्टूबर लास्ट डेट है तो 21, 22, 23, 24, 25 आपको 26 तारीख तक टेंटेटिव आंसर की आ जाएगा। आप जब टेंटेटिव आंसर की मिल आ जाएगा, मान लीजिए कब, 26 को, तो उसे 8 दिन और लगेगा, तो 26 में 8 और जोड़ लीजिए, तो आपका मोटा मोटी करके नवंबर 1 या 2 को आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। काउंसलिंग भी नवंबर 1 वीक में हो जाएगा, वह क्लासेस भी आपके नवंबर से ही शुरू होंगे। पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिए, चलिए आपको और भी ये बताएंगे डिटेल की। देखिए कोई भी दुविधा हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इस पे ईमेल भी कर सकते हैं। और पूरा शेड्यूल आ गया है किस स्लॉट में किस सब्जेक्ट का एग्जाम है, तो शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर PG और PhD 2022-23, टाइम स्लॉट फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। स्लॉट 1 है 8 से 10, स्लॉट 2 है 12:30 से 2:30 बजे और स्लॉट 3 है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। MA MSc देख सकते हैं, MSc कंप्यूटर साइंस, MED, ये सारे 17 अक्टूबर के ये है, फिर 18 अक्टूबर को ये है, 19 अक्टूबर के ये है और जैसे 20 अक्टूबर के ये है, ये सारे आप स्लॉट्स आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल है। मुझे लगता है कि आपको ये न्यूज़ सुन के बहुत खुशी मिली होगी, मुझे भी बहुत खुशी मिली है। बहुत दिनों से मैं भी कमेंट झेल रहा था, अच्छी लग रही थी, आप लोग कमेंट करते हैं, वीडियो को पूरा देखते हैं, लाइक करते हैं, वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। भगवान करे, अल्लाह करे, आपको कोई ना कोई अच्छा कोर्स मिले, कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए और आपके करियर की एक नई शुरुआत हो 2022 से, ठीक है। मिलते हैं ऐसे विजिबल वीडियो के साथ, जरूर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय दिल्ली यूनिवर्सिटी।